सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। आपने चुनाव तो बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा अनोखा चुनाव जिसमें उम्मीदवार की हार के बाद उसका भव्य स्वागत किया गया हो। जी हाँ, सरपंच नहीं बन पाए तो ग्रामीणों ने उम्मीदवार का किया जोरदार स्वागत, और एक ऐसा स्वागत जिसमें उम्मीदवार को 2,11,00,000 रुपए भी दिए गए। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार का भव्य समारोह किया गया हो, गांव में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया हो, या फिर गांव में चंदा इकट्ठा कर उसे भारी धनराशि और गाड़ी दी हो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है रोहतक के चिड़ी गाँव में, जहाँ पर 12 नवंबर को हुए पंचायत चुनाव में सरपंच पद के उम्मीदवार धर्मपाल की हार हो जाती है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनकी हौसला अफजाई के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया और गांव के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने शिरकत की। ढोल नगाड़ों के साथ उसका भव्य स्वागत किया गया। धर्मपाल एक समाज सेवी हैं और सरपंच पद की हार के बाद वो मायूस हो गए थे, जिससे उनके समर्थकों ने इस भव्य समारोह का आयोजन किया। उनका कहना है, हमारे लिए सरपंच से कम नहीं है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, और चिड़ी गांव में इसलिए इस भव्य आयोजन कर हर्ष का माहौल उत्पन्न किया गया। मित्र प्यारे में बाहर दूर दराज के इलाके से आए हैं, जिनका लगाव भाई धर्मपाल चेयरमैन की सहायता इस गांव के साथ जुड़ा हुआ है। आपको सम्मानित किया गया है क्योंकि 12 नवंबर को पंचायत के चुनाव थे और आप उसमें हार गए। अब कैसा आपको लग रहा है, जो द्वेष उस वक्त था क्या अब भी आपके मन में? नहीं, द्वेष तो उस वक्त भी नहीं था। द्वेष का क्या है, द्वेष का कुछ नहीं। मेरा तो भाईचारा इसमें बरकरार है यारो, हार जीत का कोई रोड़ा नहीं है, हार जीत तो चलती रहती है, जीत का भी यार भाईचारा मेरे साथ से, और मैं भाईचारे के साथ रहूँगा और भी आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। पहले सरपंच थोड़ी थे, पहले बहुत लोगों के अच्छे काम किए और अच्छे काम करते रहेंगे। किस तरह से आपको सम्मानित किया गया है, सबने चंदा इकट्ठा किया है, कितनी राशि? नहीं, ये तो मैंने गांव के भाईचारे के बात से, उन्हें क्या किया क्या नहीं किया है, कैसे किया है, उन्होंने सोना सिस्टम किया, मेरे को तो यही बताया था उन्हें। अगर आपको 18 तारीख को कल बताई थी, 18 तारीख को आपको सम्मानित किया जा रहा गांव की तरफ से। 2,11,00,000 रुपए चंदा आया है, कैसा ये भी आपने, ये भी आपने, सम्मानित राशि है जी, अपनी खुशी से दी है ये, अपनी मर्जी से। ठीक है, सम्मान राशि है, सम्मान राशि है। ये 2,11,00,000 की भी, ये भी आप पे सुनिए, मैंने तो अब तक नहीं बता था सम्मान राशि इतनी दी है। गांववासियों के सम्मान से जो आपको दिया गया है, आप खुश हैं? मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, और गाँव जिस भरोसे और यकीन पर मेरे को सम्मानित किया गया है, उस पर खरा उतरूंगा। किसी प्रकार के मेरे भाई को, गरीब को, भाईचारे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। खाप पंचायतों में भी आपको जिम्मेवारी देने की बात कही गई है, वो हमारी खाप का निर्णय होगा, क्या जिम्मेदारी, क्या मैं इसको निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा, जो भी जिम्मेवारी खाप की देंगे उसका मैं खरा उतरूंगा। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएं, पंचायत चुनाव में हार जीत होती रहती है, हारने के बाद कुछ मनमुटाव भी होते हैं, क्या आपके मन में अभी भी है? 1% हार के बाद भी मनमुटाव नहीं था, अब भी मनमुटाव नहीं है। वो भाई है, गांव राम का फैसला है, जो फैसला हुआ हमें मंजूर है, अच्छे काम किएगा भाई के साथ हैं, और गांव के अंदर को गलत काम हुआ उसका मन नहीं देंगे। चुनाव जब आप हारे तो आप भावुक हो गए थे, आप कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी बात सुनने में आई कि आप यहाँ से जा भी रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना तो मैं कहीं गया, ना मैंने ऐसी कोई बात कही। अगर मैं भावुक था उस टाइम पर, जिस टाइम पर छोटे छोटे बच्चे और उनका प्यार प्रेम देख के, लाड प्यार देख के, और रोने लग जाते थे ना लिपट के, इतनी भावुकता थी लोगों में उस टाइम पर, तो मेरा दिल में थोड़ा घबराहट, ना हार जीत के लिए मेरी कोई घबराहट वाली बात नहीं। जो सम्मान मिल रहा है उसे क्या कहेंगे? बहुत बहुत, इतना सम्मान मान तो मैंने शायद ही अपनी जिंदगी में पहली बार देखा हुआ, जो आज गांव राम ने मेरे भाईचारे ने सुना। ऐसा मामला हरियाणा में पहली बार देख रहे हैं, जब एक हारे हुए प्रत्याशी को इस तरह सम्मान मिल रहा है। ये भाईचारे का प्रतीक है, और इसमें मैं कभी नहीं आऊंगा भाईचारे। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।